तुलसीदास, आपको क्या लगता है, ये एकनाथ शिंदे का अपना करिश्मा है या भारतीय जनता पार्टी पीछे से खेल रही है? क्योंकि 21 विधायक, 56 में से 21 विधायक अगर एकनाथ शिंदे के साथ निकलकर जा रहे हैं, तो या तो एकनाथ शिंदे बहुत ही पावरफुल नेता है, और या फिर ये माना जाता है शिवसेना के अंदर बड़े पैमाने पर उद्धव ठाकरे, उनके कार्यप्रणाली या शिवसेना के अंदर लेकर नाराजगी है, तभी तो इतनी बड़ी संख्या में विधायक निकल उनके साथ जा रहे हैं। देखिए, इसमें तो दो राय नहीं हो सकती कि शिवसेना के जो नेता है उनमें एकनाथ शिंदे के अपना एक वजूद है उन्होंने, और पिछले 2-3 सालों से आशुतोष जी मैं बताना चाहूंगा कि एक रणनीति के तहत पूरे महाराष्ट्र में एक शिवसेना वैद्यकीय कक्ष जो मेडिकल एड के लिए बनाया गया, लेकिन उसको पूरी तरह से अपनी छत्रछाया में लिया। साथ ही में उनका बेटा जो सांसद है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, उनके नाम पे फाउंडेशन बनाया हुआ है, और हर चुनाव क्षेत्र के स्तर पर उन्होंने नियुक्तियां करके अपना एक पूरा नेटवर्क खड़ा किया है महाराष्ट्र में। और साथ ही में उन्होंने दूसरा जो कदम उठाया हुआ है शिवसेना के बारे में, यहाँ पे प्रचलित बात ऐसी है कि शिवसेना यानी लेना बैंक है, देना बैंक नहीं है, शिवसेना के नेता देना नहीं जानते। लेकिन एकनाथ शिंदे ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी एक प्रतिमा ऐसी बनाई है कि चुनाव हो या कुछ किसी की कोई और जरूरत हो, उन लोगों को उस चुनाव फंड में भी बहुत ज्यादा पैमाने पे 2019 में तो उन्होंने उद्धव ठाकरे के कहने पर अपने व्यक्तिगत स्तर पे भी बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। उसका फायदा कहीं ना कहीं उनको विधायकों से जुड़ने में हुआ है। यही वजह है कि शिवसेना विधायकों की संख्या पहले तो माना जा रहा था कि 10 से आगे बढ़ेंगे नहीं, लेकिन वो ज्यादा आगे बढ़ गए। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि एकनाथ शिंदे ने सभी को कुछ अच्छी बातें करके या अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके लेके गए। अभी एक जो नई खबर सामने आ रही है, उस्मानाबाद एक जिला है महाराष्ट्र का, वहां से कैलाश पाटिल नाम के शिवसेना विधायक है, उन्होंने कहा है कि कल रात को उनको बताया गया कि चलिए मैं आप सभी को पार्टी दे रहा हूं, चुनाव तो खत्म गए, चलिए अब चलते हैं। और वहां पे लेके जाके जब उनको पता चला कि अरे हमने तो मुंबई छोड़े, ठाणे छोड़ा, पालघर में पहुंचे, कहां जा रहे हैं, तो एक जगह पर उन्होंने उनको चकमा देके वो भाग निकले। और उनका कहना ऐसा है एज पर उस एमएलए कि वो फिर उद्धव ठाकरे के पास जाके उन्होंने कहानी बता दी उनको। तो इस तरह के भी कुछ विधायक है आशुतोष जी। इसमें एक बड़ा मुद्दा ऐसा है कि जो विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं उनमें से या उनके संपर्क में अब है लेकिन सूरत में, गुजरात में नहीं है, उन लोगों को यह बताया गया था कि हम हिंदुत्व के मुद्दे पर भाजपा के साथ शिवसेना का गठबंधन करके सरकार बनाएंगे। अगर अब दूसरी जो बातें हो रही है कि भाजपा में शामिल होना या फिर कुछ अलग गुट बनाकर शिवसेना से फूटकर अलग कुछ समीकरण नया लाना, तो उस मामले में ये इन विधायकों का उस तरह की मानसिकता नहीं है, क्योंकि इन विधायकों में से कई लोग ऐसे हैं जो 4-4, 5-5 बार भी चुन के आए हैं शिवसेना के निशाने पर, तो उनके लिए ये असहज होगा कि शिवसेना के हटकर कुछ इसी तरह चुनाव का सामना करना। तीसरी, अभी रविंद्र जी जैसे बता रहे थे कि भाजपा अगर चुनाव नहीं, भाजपा चुनाव नहीं चाहती है, सॉरी माफ कीजिए, भाजपा अगर चुनाव चाहती है तो मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र का कुछ चुनिंदा विधायकों को छोड़कर कोई भी विधायक किसी भी तरीके का, चाहे वो उपचुनाव हो इस्तीफे के बाद, जैसा भाजपा ऑपरेशन लोटस के नाम पे करते हैं ये कि आप इस्तीफा दीजिए और भाजपा की तरफ से लड़िए तो आपको चुनाव हम लोग जीता के लाएंगे, वो के किसी भी समीकरण के पक्ष में उपचुनाव या पूरी तरह से सदन को बर्खास्त करके मध्यावधि चुनाव हो, एक विधायक चुनिंदा छोड़कर मुझे नहीं लगता, इवन भाजपा के नहीं चाहेंगे कि इस तरह का चुनाव का सामना करना पड़े। तो इस स्थिति में एकनाथ शिंदे के पास जो विधायकों की संख्या है, भले ही कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देकर उसको 38 तक बताया जा रहा है, जो कि ये फिगर वही फिगर है आशुतोष जी जो एंटी डिफेक्शन दल बदल विरोधी कानून के से बचने के लिए आवश्यक है, उनको जो 2/3 चाहिए नए प्रावधानों के बाद, तो वो जताने के लिए विधायक जो फेंस पे बैठे हुए विधायक रहते हैं उनको अपने पास लाने के लिए, भरोसा दिलाने के लिए कि भाई आपकी विधायकी नहीं जाएगी, हमारे साथ आओगे, ये प्रचारित किया जा रहा है। लेकिन असल में जो जानकारी मिल रही है कि 22 तक उनका आंकड़ा पहुंच रहा है, और उनमें से भी कई एक ऐसे जैसे अकोला के विधायक है नितिन देशमुख, उनकी बीबी अभी अकोला से निकल चुकी है सूरत के लिए, उसका कहना ऐसा है कि मेरे पति का अपहरण किया, उन्होंने बाकायदा FIR भी लॉन्च किया हुआ है अकोला पुलिस के पास, और उसका गृह मंत्रालय ने आदेश भी दिया जांच का, तो वो अभी जाके अस्पताल में भर्ती हो गए नितिन देशमुख सूरत के, उनकी काफी तनाव बढ़ गया की वजह बताते हुए।
तो इस तरह से उस 22 में से भी अगर कम होते हैं, क्योंकि जब उनको ये आश्वस्तता नहीं होगी कि सबसे पहले तो उनकी विधायकी पे कोई आंच नहीं आएगी, दूसरा कि कुछ भी समीकरण बने सत्ता मिलने वाली है और वो सत्ता के लाभार्थी बनने वाले, तो ही वो एकनाथ शिंदे के साथ एकजुट करके रहेंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं एक पूरा मामला फिसल उनके हाथों से जाता हुआ दिखाई दे सकता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।